दोस्तों, अगर आप डीप फ्रीजर का काम सीखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एक डीप फ्रीजर है जिसका के कंप्रेसर ख़राब हो चुका है और कूलिंग बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है डीप फ्रीजर, और इसका अगर कंप्रेसर चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, और इसमें जो कैपिलरी फिल्टर जाल है, कॉयल है, फैन है, उस सभी के बारे में पूरी डिटेल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हम ढक्कन है, जाली है, वो उतार लेंगे। उसके बाद हम इसका सबसे पहले जो है कंप्रेसर चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एक नया कंप्रेसर है, इसके साथ हमें रिले मिलती है, और इसके साथ कैपेसिटर और कंप्रेसर, आप खुद एक कंप्रेसर होता है। तो इसको हम इसके साथ चेंज करेंगे। जो पहले इसके अंदर कंप्रेसर लगा है वो इसी कंपनी का लगा हुआ है, जिस कंपनी की ये मशीन है, डीप फ्रीजर है। लेकिन अब जो हम कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं वो गोदरेज का हम यूज़ कर रहे हैं, G2 कंप्रेसर। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्योंकि इसका कंप्रेसर ख़राब है, गैस लीकेज नहीं है, इसलिए हमने इसको वेल्डिंग नहीं उतारना है। सबसे पहले हम इसका गैस बार निकालेंगे। अगर आप इसका गैस बार निकाले बिना ही इसको वेल्डिंग शुरू करते हैं तो इसमें ब्लास्ट हो सकता है और आपकी जान और माल को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपने इसका गैस निकालना है। हमने इसका गैस निकाल दिया है, इसका वाल निकाल दिया और इसका सारा का सारा गैस रिलीज़ हो गया है। वैसे तो दोस्तों ये गैस एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है और आपका भी पैसे का नुकसान होता है। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने दिखाया है कि आप 134 गैस को कैसे स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल कुछ ही मिनटों में, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गैस निकालने के बाद कंप्रेसर पर हमारी तीन पाइप अटैच होती हैं। एक तो हमारी होती है जो हमारी रिटर्न पाइप होती है, जो हमारी कूलिंग पाइप से बाहर आती है, और एक होती है हमारी जो जाल, जो हीट बाहर निकालता है, जाल उससे उसके अंदर जाती है, वो वाली पाइप होती है। और एक होती है जिसके ऊपर पिन वाल लगा होता है, जहाँ से हम इसको वैक्यूम करते हैं और गैस वगैरह चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये गर्म हो गया था इसलिए अब पानी साथ में रखना है, और बिजली का कनेक्शन बिल्कुल उतार के रखना है, बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका जो दूसरा पाइप है, जो जाल वाला पाइप है, उसे निकालने के लिए हमें इसका जो फ़ैन है वो उतारना पड़ेगा, क्योंकि फ़ैन बीच में आ रहा है, और अगर हम वेल्डिंग सेट की सहायता से उसको हीट देंगे तो इस ये फ़ैन भी हीट हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो जो पार्ट आपको लगता है वेल्डिंग के दौरान कि उसको हीट पहुंचेगा और वो क्षतिग्रस्त होगा, नुकसान होगा उसको, तो आपने वो उतार लेना है। तो बहुत मेरे भाई लोग ये सोचते हैं कि मैं हिंदी बोलता हूँ तो कहीं और से होऊंगा, लेकिन मैं पंजाब से हूँ तो मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं। तो आप ध्यान रखिए कि मैं पंजाब से ही हूँ, पंजाब के लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग मुझे कॉल कर सकते हैं अगर उनको कोई परेशानी है किसी भी प्रकार की, एसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरओ संबंधी कोई भी क्वेरी है, या आपको कोई प्रॉब्लम फेस आ रहा है, तो मैं उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। तो एक पाइप हमने निकाल लिया था, अब हम दूसरा पाइप जो है वो भी इसका निकाल लेंगे। तो ये निकालने के बाद आपने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है, कंप्रेसर पे पानी नहीं डालना है और ना ही पाइपों के अंदर इसके पानी जाना चाहिए। अगर इसकी पाइपों के अंदर पानी चला गया तो ये इसमें आपको फिर फ्लशिंग, सॉरी, जब इसमें गैस डलेगा, इसको ऑन करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पाइप हीट हुआ है, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके नीचे हम दोनों तरफ ईंट देंगे। ईंट का काम सिर्फ यही है कि इसको हम ऊपर उठाएंगे और नीचे जो कंप्रेसर के स्क्रू लगे हैं, जो कंप्रेसर को टाइट करने के लिए होते हैं, कि इसमें जो नीचे जो जब ये चलेगा, वाइब्रेट करेगा, जहाँ इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये कहीं हिल ना जाए और गैस ना लीकेज हो जाए, इसलिए इसके नीचे चार स्क्रू लगे होते हैं जो हम एक एक करके खोल लेंगे। तो जैसे ही आप इसके स्क्रू खोलेंगे तो ये, वैसे तो हमारा सारा का सारा कंप्रेसर, हमने इसके जो पाइप कनेक्शन खोल लिए हैं, इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन सिर्फ दो ही इसमें थिम्बल लगे होते हैं रिले के साथ, तो वो भी हम इजीली निकाल लेंगे और ये हमारा सारा का सारा कंप्रेसर जो है अनइंस्टॉल हो गया। तो ये करने के बाद हम इसमें नया कंप्रेसर रखेंगे। तो इसका हमने पिन वाल नहीं उतारा है, हमने दो ही सिर्फ टंकी निकाले हैं,
पिन वाल हमने इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि इसका जो पिन वाल है वो वैसे भी इसका ख़राब हो चुका है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुड़ चुका है, और इसको अब हम दूसरी तरफ मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है हमें, ठीक है। तो इसका जो फ़िल्टर है वो नीचे की तरफ करेंगे, कैपिलरी साइड करेंगे, और हमारा जो कंप्रेसर जो है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें एक बात का आप देखिए कि जब आप कंप्रेसर निकालेंगे, ये वाला जो डीप फ्रीज़र है तो इसका जो साइज़ है थोड़ा सा आपको कम मिलेगा कंप्रेसर निकालने के लिए, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा सा इसका जो पत्री है वो जो बॉडी है वो इसका बेंड हो जाता है, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा इसको निकालने में आपको। तो इसको कर देंगे साइड क्योंकि ये तो हमारा डेड कंप्रेसर है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरा जिसमें बताया है मैंने कि डेड कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं, आप फ्रिज या डी फ्रीज़र का कंप्रेसर जो है कैसे चेक कर सकते हैं, तो थोड़ा मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। आप पहले सबसे पहले आपने रिले चेक करना है, अगर रिले के पास सप्लाई आ रहा है, और जब आप फ्रिज या डी फ्रीज़र को ऑन करते हैं और हाथ लगाते हैं कंप्रेसर वाइब्रेशन की आवाज़ देता है लेकिन ऑन नहीं हो पाता है, तो उस केस में भी आपका जो कंप्रेसर है वो ख़राब है। कई बार क्या होता है कि अंदर से वो शॉर्ट हो जाता है और किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं देता, तो आप इसके जो तीन टर्मिनल होते हैं रनिंग स्टार्टिंग एंड कॉमन उनको चेक करके आपको पता लग जाएगा कि जो डी फ्रीज़र है आपका वो ख़राब है, सॉरी जो कंप्रेसर है आपका ख़राब है या नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कंप्रेसर, हमने अनइंस्टॉल कर लिया, अब हम इसमें कंप्रेसर लगाना है नया, तो उससे पहले हम इसकी सेटिंग वेटिंग थोड़ी कर लेते हैं। जैसे हमने कैपिलरी को काट के अलग कर दिया है, इसका जो फिल्टर है हम वो भी इसको फिल्टर को है निकालेंगे। तो एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि जब आप कभी भी डी फ्रीज़र हो या फ्रिज हो उसका कंप्रेसर चेंज करते हैं तो उसका आपने फ़िल्टर ज़रूर निकाल देना है और उसमें नया फिल्टर ही लगाना है दोस्तों, क्योंकि कैपिलरी काफ़ी बारीक होता है इसका, तो उसमें चोकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है अगर आप पुराना फिल्टर ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए अगर आप नया फिल्टर यूज़ करते हैं तो चोकिंग की समस्या आपकी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हमने इसका फ़िल्टर उतार दिया है और इसको ठंडा कर लिया है। अभी हम इसमें सबसे पहले एक नया कंप्रेसर लगाएंगे और इसकी हम जो रिले है और इसकी रिले है वो लगा देंगे, और रिले लगाने के बाद इसमें हम कंप्रेसर जो है वो फिट कर देंगे। तो रिले इसके साथ आपको एक रिले मिलेगा और कैपेसिटर मिलेगा, इसके कनेक्शन भी बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं तो सिंपल इसके ऊपर देखिए कि जो कैपेसिटर है उसके लिए दो थिम्बल दिए गए होते हैं, उसका साइज़ छोटा होता है, और जो इसमें बिजली का थिम्बल लगता है जो मतलब कनेक्शन सप्लाई का थिम्बल लगता है वो मोटा होता है। और रिले के दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर वाले तरफ और एक नीचे की तरफ, आपको दो ही पिन खाली मिलेंगी कैपेसिटर लगाने के बाद, आप उस पर बिजली का जो सप्लाई का कनेक्शन दे सकते हैं। तो ये हमने इसका रिले लगा दिया है, तो इसको थोड़ा बेंड कर लेंगे क्योंकि ये उस तरफ घुमा हुआ था और इस पर हमारा पिन वाल मुश्किल से लगेगा, इसलिए हमने इसको बेंड कर लिया है और इसके अंदर रख देंगे। तो जो सबसे पहला काम अब हम करेंगे वो यही है कि इसके हम सारे के सारे स्क्रू लगाएंगे दोस्तों। तो स्क्रू लगाने के बाद, इसको फिट करने के बाद ही इसका जो पाइपिंग है, पाइपिंग का कनेक्शन है वो करेंगे और इसको वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो चारों के चारों स्क्रू हम इसके लगा देंगे। अगर आप कई बार क्या होता है कि इसका जो साइज़ है थोड़ा ऑड हो जाता है, जैसे कि इस कंप्रेसर का और उस कंप्रेसर कंपनी का भी डिफरेंस आ जाता है, वैसे तो ये स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, इनमें आप डिफरेंस नहीं मिलेगा ज़्यादा आपको, लेकिन फिर भी अगर एक दो आपको वॉल का जो डिफरेंस है अगर दिख रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दो स्क्रू लगा दीजिए ऑपोजिट साइड, दो आपने स्क्रू लगा दिया तो उससे भी ये टाइट हो जाएगा अच्छे से। आपको चारों अगर नहीं लग रहे हैं तो इसका कोई बात नहीं, चारों ना लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए हमने इसके तीन स्क्रू लगाए हैं और एक नहीं लगाया है, ठीक है। तो अभी देखिए कि अभी हम इसके वेल्डिंग करेंगे। ये जो वाला पाइप है, ये वाला जहाँ पर हम इसका रिटर्न पाइप लगाएंगे, और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर हमारा जो हम जिससे हवा कंप्रेसर से बाहर निकलता है, जो हमारा पहले जो इस जाल फैला हुआ है हीट बाहर निकालने के लिए इस डीप फ्रीजर के चारों ओर, उसमें जाएगा ये। तो इसको थोड़ा, इसके जो ऊपर हमारे प्लग लगे होते हैं रबड़ के, वो इसलिए होते हैं कि इसमें जो ऑयल है वो कहीं गिर ना जाए, तो उनको हम उतार कर
इनमें जो पाइप का कनेक्शन है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने जो क्या पाइपिंग है उनको हमने वेल्डिंग किया था, वो थोड़ा थोड़ा उन पर कालापन आ जाता है, तो आपने उनको साफ़ कर लेना है। तो वो देखिए, सबसे पहला हमने कनेक्शन किया है इसका, कि वो वाली जो पाइप है हमारी, जहाँ से हवा कंप्रेसर बाहर धकेलता है, जो हमारी जाल में जाती है, जैसे फ्रिज का जाल होता है ना, कि कंप्रेसर से हवा सीधे पहले जाल में जाती है, उसके बाद फिल्टर में जाती है, फिर कैपलरी में जाती है, और कैपलरी से होते हुए फिर हमारी कूलिंग पाइप में पहुँच जाती है। तो ये भी सेम ही कंसेप्ट है, फ्रिज की तरह ही होता है डीप फ्रीज़र भी, लेकिन इनकी जो कैपलरी और हम कंप्रेसर और गैस का डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा, कि इनमें गैस की क्वांटिटी कितना होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, कंप्रेसर का नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो कैपलरी है उसका डेटा थोड़ा अलग होता है, बाकी सारा सेम ही होता है इसमें। वो सारा सेम ही रहता है, इनमें कूलिंग के लिए कैपलरी लगता है, फिल्टर लगता है, कंप्रेसर और जाल, सभी चीज़ें लगती हैं। तो ये देखिए कि हमने इसको अच्छे से यहाँ से वेल्ड करना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने पाइप को अंदर तक कम से कम 1.5 से 2 इंच अंदर धकेलना है जब आप इसको वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि ये पाइप काफ़ी बारीक होता है। कई बार क्या होता है कि आप वेल्डिंग करते हैं, थोड़ा हीट होने ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो है पाइप के वो फिल हो जाता है हमारा जो कॉपर की जो वेल्डिंग करते हैं, तो वो लिक्विड कॉपर अंदर इसके फिल हो जाता है, जिसके कारण आपका जो ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम और काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है। तो अब हम इसका फैन लगा लेंगे, जो फ़ैन हमने इसमें से निकाला था कंप्रेसर निकालते वक्त। तो ये इसके बारे में अभी ये देखिए कि कनेक्शन हो गया है, फ़ैन हमने लगा दिया है, तो सबसे पहले आपने इसको ऑन करके देख लेना है। ठीक है, हमने इसका जो पिन लगाकर, इनकी जो हमारी थिम्बल लगाकर हमने इसको चेक कर लिया है कि इसमें इसके जाल में से हवा प्रॉपर से बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि जाल में ही आपके कहीं कोई प्रॉब्लम होता है जिसके कारण हवा बाहर नहीं आ रहा है, तो फिर आगे का जो कूलिंग है वो नहीं हो पाएगा और कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने जाल को चेक किया तो वहाँ से हवा अच्छे से आ रहा था। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप बनता है वो है हमारा फिल्टर। तो क्या यहाँ पर थोड़ा वायर का जो जाल है वो उलझा हुआ है, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं वो भी बहुत सिंपल है। अगर वो वीडियो आपने मेरा नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम डिस्क्रिप्शन में डालना भूल जाते हैं लिंक उसका, तो आप चैनल पर जाएंगे तो आसानी से आपको मेरा वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है जिस, और 2 इंडिकेटर लगे होते हैं जो हमें बताते हैं कंप्रेसर ऑन है या ऑफ है, और सप्लाई ऑन है या ऑफ है। तो जो एक इंडिकेटर होता है इसका, वो ये डिटेक्ट करता है कि जो 220 वोल्ट हमारी सप्लाई आ रही है वो सीधी लगी होती है उसको इंडिकेटर, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ भाई इसमें सप्लाई आ रहा है। जो दूसरा इंडिकेटर होता है अगर वो भी ऑन हो हमारा, तो वो कंप्रेसर के साथ कनेक्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई हमारा कंप्रेसर जो है वो भी हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कनेक्शन थे इसके जो हमने निकाल दिए थे जो वो हम दोबारा से इसके कर रहे हैं। तो अभी हम इसमें पिन वाल लगाएंगे, तो पिन वाल लगाने के लिए हमें यहाँ पर फ्लेयर डाइसेस का फ्लेयर बनाना पड़ेगा, थोड़ा पाइप को जो है बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका पिन वाल का पाइप था वो दूसरी तरफ रह गया, लेकिन वहाँ से हमारा कूलिंग पाइप निकल रहा था तो पाइप का थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने जहाँ पर हमारा पिन वाल लगता है कंप्रेसर पर स्टैंडर्ड दिया होता है कि वहाँ पर पिन वाल लगेगा, तो वहाँ पर हमने इसका पाइप लगा दिया लगाएंगे रिटर्न पाइप जो लास्ट में लगेगा, पहले नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अभी हमने उसका फ्लशिंग भी करना है इसको पूरा पाइप कनेक्शन करने के बाद, इसलिए हमने डाई की सहायता से जो इसका दूसरा पाइप है जो इसमें से हवा कंप्रेसर खींचता है, वो दो तरफ से हवा खींचता है कंप्रेसर, एक तो जो पिन वाल लगता है और दूसरा जहाँ से हमारा रिटर्न आता है वहाँ से, ये दोनों तरफ से हवा खींचता है। तो हम इसका जो पाइपिंग है वो उल्ट पुलट अगर लगा दें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सेम दोनों का फंक्शन हवा खींचना ही है, जहाँ से हम हवा बाहर आती है कंप्रेसर से वहाँ पर हमारा सेम वही पाइप लगेगा जो लगना चाहिए हमारा जाल वाला। तो यहाँ पर हमने पिन वाल लगा दिया है तो इसको वेल्डिंग कर देंगे। ठीक है, हालांकि हम पिन वाल को भी इसके जो इसका पिन वाल है उस पर भी हम डाई लगाकर उसका होल बड़ा कर सकते थे,
और उसको ऐसे लगा सकते थे, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए कि इसका डायरेक्शन देखिए, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये नीचे से खुला हुआ है और उसके बीच रखा जाएगा, तो वेल्डिंग प्रॉपर हो जाएगा अभी, लेकिन तब वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाता हमारा, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। उसके पिन वाल के ऊपर मैंने कपड़ा भी रखा है, उसका कारण ये है क्योंकि इसका जो पिन वाल ऊपर का जो होता है वो पीतल का होता है और नीचे का होता है तांबे का, इसका जो पाइप होता है, ठीक है, तो उसमें अगर उसका एक पीतल और कॉपर का टंका लगा होता है आपस में, तो अगर वो ख़राब हो जाए तो हमारा पिन वाल तो बेकार हो जाता है, इसलिए उसको ठंडा रखने के लिए थोड़ा हम यहाँ पर इसके ऊपर गीला कपड़ा रख देते हैं। हमारा जो वेल्डिंग है बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से हो चुका है, आपने देख ही लिया है। तो अभी जो हमारा सेकंड काम है, हम पहले फ़िल्टर लगाएंगे हमारा, तो फ़िल्टर लगाने के बाद हम इसमें कैपिलरी को अटैच कर देंगे, ठीक है। तो इसको फ्लशिंग आपने दोबारा से हमने फिर करके देख लिया है, तो फ्लशिंग ठीक है, ओके है, प्रेशर आ रहा है, फ़िल्टर हमने लगा लिया है। तो फ़िल्टर लगाने के बाद अब हम इसमें कैपिलरी को लगाएंगे। तो कैपिलरी लगाने से पहले कैपिलरी को आगे से आपने अच्छे से खोल आपने देख लेना है कि इसका बंद ना हो, और उसको किसी बारीक चीज़ से, कोई सुई वगैरह से उसको होल को फिर अच्छे से खोल लेना है, ठीक है। और इसकी जो कैपिलरी है आगे से 4 इंच आपने रेगमार की सहायता से उसको रगड़ लेना है, ताकि जो उसके ऊपर जो डस्ट रस्ट लगा है या कालापन लगा है वो दूर हो जाए और इसका जो वेल्डिंग है प्रॉपर हो पाए, ठीक है। तो कैपिलरी को कम से कम 2 से 3 इंच आपने फिल्टर में डालना है और इसको ऊपर से वेल्डिंग करना है। तो इसका जो दोस्तों वेल्डिंग का काम होता है ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप देख रहे हैं आपको समझ में लग रहा होगा, लेकिन जो ये स्कैपलरी को टंका लगाना है ये आपको एक्सपीरियंस खुद करना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही काम आता है। ये कोई भी काम ले लो दोस्तों, आपको ज़िंदगी में अगर आप स्कूल में स्टडी करते थे या कोई भी काम सीखना है, वो बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आपको हो सकता है कि काफ़ी बार प्रैक्टिस करना पड़े तब आपका में हाथ में सफाई आएगी, पहली बार आपको देख के लगता है कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन होता नहीं है, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो जाता है दोस्तों, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही आपको इसमें बेस्ट बना सकती है। तो ये हमने कैपिलरी लग गया, फ़िल्टर लग गया और जाल का कनेक्शन हो गया, पिन वाल भी लग गया। अभी जो हमारा अब मेन काम है वो है हमने इसको शांट चेक करना है। कई बार क्या होता है ये शांट होता है, तो शांट हमने चेक कर लिया है, तो अभी हम इसको अच्छे से फ्लशिंग करेंगे। तो दोस्तों ये जो काम है ये हमारे सारे काम के बाद एक मेन काम आ जाता है फ्लशिंग का। अगर हम अपने पाइप कंप्रेसर का जो फ्रिज होता है या डी फ्रीज़र होता है उसको पाइपिंग करने के बाद, पाइपिंग को वेल्डिंग करने के बाद, उसके बाद अगर इसको फ्लशिंग नहीं करते हैं तो हमारा जो काम है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी डस्ट रह गया, डस्ट रस्ट रह गया और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया तो हमारा जो प्रॉब्लम है आपको आ सकता है, क्योंकि इसमें जो कई बार क्या होता है कैपिलरी में ऑयल जम जाता है और अगर आप फ्लशिंग नहीं करते हैं तो ऑयल बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण आपका जो फ्रीज़र है, डी फ्रीज़र है या फ्रिज है, वो बार बार आपका जो चोक होता है और चोक होने के बाद वो आपको परेशानी देता है, ठीक है। इसलिए आपने इसका फ्लशिंग जो है कम से कम आपने इसको 100 बार फ्लशिंग करना है। जैसे इसको हमने एक बार हाथ में इसको दबा लिया, अंगूठे की सहायता से पाइप को आगे से दबा लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसे आपने कम से कम 100 बार करना है। अगर आप 100 बार करते हैं तो आपका फ्लशिंग पूरा होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो उसके बाद हम जो अब हमारा फ्लशिंग अभी हो चुका है, हमने कम से कम 100 बार इसका फ्लशिंग कर लिया था, तो उसका जो हम पाइप है वो वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो पाइप लगाने के बाद इसको हम वेल्डिंग कर देंगे। तो इसको वेल्डिंग करने के बाद जो सबसे पहला काम अब हम करेंगे वो है इसको वैक्यूम। वैक्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वैक्यूम नहीं करेंगे ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो डी फ्रीज़र है या फ्रीज़र है उसमें आपको चोकिंग की समस्या आएगी ही आएगी। इसका मॉइस्चर की वजह से चोकिंग की समस्या आए या फिर किसी कचरे की वजह से चोकिंग की समस्या आए, लेकिन आपको चोकिंग की समस्या आएगी, इसलिए इसको वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी आप नया कंप्रेसर लगाते हैं तो पाइपिंग करने के बाद उसको टेस्ट जरूर कर लेना है, गैस भरने से पहले कहीं वो आपका शॉर्ट तो नहीं है, उसको टेस्ट पेन की सहायता से आपने चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसको वेल्डिंग करने के बाद सबसे पहला काम करेंगे हम इसको चेक ही करेंगे।
तो ये हमारा प्रॉपर वेल्डिंग हो चुका है, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे टंके जो इसके थे वो वेल्ड हो चुके हैं। अब हम इसमें टीका लगाएंगे। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि फ्रिज में टीका क्यों लगाते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका डाल दूंगा, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो इसको हमने टीका लगाया है एंटी मॉइस्चर और एंटी चोक का, और जिससे हमारा जो फ्रीज़र का ख़राब होने का चांस है वो 70-80% कम हो जाते हैं चांसेस, ठीक है। तो ये हमने इसको टीका लगा दिया है, एंटी मॉइस्चर का लगाया था पहले, अब हम एंटी चोक का लगा रहे हैं। तो आप इसका जो टीका है तब भी लगा सकते हैं जब आप इसमें गैस फिल कर रहे हैं, या फिर आप पहले भी लगा सकते हैं जब आप इसको वैक्यूम करना शुरू करेंगे। तो ये करने के बाद इसका जो पिन वाल है वो इसका लगाएंगे हम, और इसको वैक्यूम जो है हमारा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी एसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरओ, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, चिल्लर, इसके संबंधी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको आपने चेक नहीं किया अभी तक मेरा चैनल, तो चेक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये हमने हमारा पिन वाल लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारा R22 वाला जो चार्जिंग लाइन होता है वहीं इस पर लग जाता है, तो वो हम लगाएंगे। और हमारे पास जो कंप्रेसर है उसकी सहायता से हम इसको वैक्यूम करेंगे, इसलिए हम इसका जो वॉल है वो ओपन करेंगे। और दूसरी तरफ हमारा जो कंप्रेसर है, हमारे पास रोटरी कंप्रेसर है 1.5 टन का, उसके साथ हम इसको, हमारा जो ये है इसको हम वैक्यूम करेंगे। तो वैक्यूम करने से पहले हम इसमें प्रेशर डालेंगे। देखिए दोस्तों, कि हमने इसको वैक्यूम वाली साइड, इसका जो चार्जिंग लाइन नहीं लगाया है, हमने प्रेशर वाली साइड लगाया है। प्रेशर हम इसमें क्यों फिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी इसमें वेल्डिंग किया है, टंके लगाए हैं, कहीं से हमारे लीक ना हो, इसलिए हम इसमें प्रेशर डाला है और उसको चेक करेंगे। और चेक करने के बाद, हमने इसको चेक कर लिया था लेकिन वीडियो में नहीं दिखाया है, इसलिए अब हम इसका जो दूसरी साइड इसको वाल लगाएंगे जहाँ पर हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं। तो अब हम इसको वैक्यूम करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम वैक्यूम की पाइप लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे, तो इसका जो सुई है वो माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, 0 से -में जाना शुरू हो जाएगा। -1 पर पहुंचने पर ये हमारा वैक्यूम हो जाएगा, और उसके बाद हम इसमें 134 नंबर का जो गैस है वो चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू आपका फ्रीज़र की कैपेसिटी है, जैसे 200 लीटर है, 300 लीटर है, उसके हिसाब से गैस चार्ज होता है। लेकिन नॉर्मल अगर मैं बता दूं कि इसमें आपसे 90 से 100 ग्राम आपने गैस चार्ज करना है सिर्फ, और उतना अगर आप बैक प्रेशर की बात करें तो आप 25 रख सकते हैं, 25 के करीब इसका जो है बैक प्रेशर आप रख सकते हैं। तो इसमें हमने इतना ही बैक प्रेशर रखा है, और साथ ही साथ हमने इसमें 90 से 100 ग्राम इसमें गैस चार्ज किया है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बढ़िया वर्किंग में चल रहा है, अभी गैस चार्ज हो रहा है। तो जैसे ही इसका गैस चार्ज हो जाएगा, उसके बाद हम इसको चेकिंग करेंगे, और चेक करने के बाद इसको डन कर देंगे। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको सिखा दिया कि डीफ्रीजर का काम कैसे करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस सीखने के लिए। थैंक यू।